Hey guys, what's up? Back with another video. This is Avinash and welcome back to my channel. तो सबसे पहली चीज़, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया मेरी सारी वीडियोस पे. तो चलो आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं. तो आज का टॉपिक है लाइट ट्रेल्स या फिर लाइट ट्यूब्स. तो लाइट ट्यूब्स, लाइक सबसे पहले जो लाइट पेंटिंग के बारे में सोचने के बाद मेरे दिमाग में थॉट आता है वो है लाइट ट्यूब्स का. वैसे तो आप लाइट पेंटिंग किसी भी चीज़ को यूज़ करके कर सकते हो जो कि सेल्फ इल्यूमिनेटिंग हो. सेल्फ इल्यूमिनेटिंग चीज़ कोई भी हो सकती है, लाइक आपके स्मार्टफोन, टॉर्च, स्पार्कल्स, इवन आप फुल झड़ी से कर सकते हो. फुल झड़ी से याद है, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बना रखी है स्टील वूल यूज़ करके जिसमें मैंने लाइट रेल्स बनाए हैं. उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में मिल जाएगा, आप लोग कहीं पर भी जाके देख सकते हो. काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है. एंड जो स्टील वूल आता है वो भी बहुत चीप आता है, 10-15 रुपये का, 250 ग्राम्स आता है और वो बहुत होता है. बस थोड़ा ध्यान से बनाना, स्टील वूल जलता है तो आग वाग मत लगा लेना, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना. तो चलो आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं, लाइट ट्यूब्स. तो मैंने जहाँ तक रिसर्च करी, लाइट ट्यूब्स बहुत महंगी आती हैं, लाइक $99 की एक ट्यूब आती है, उसके फिर इमिग्रेशन चार्जेस इंपोर्ट करने के लिए. और अगर आप खुद से ट्यूब बनाने जाएंगे, लाइट ट्यूब बनाने जाएंगे, तो आप लोगों को एक्रेलिक शीट की ज़रूरत पड़ेगी. और मेरी लोकेलिटी में मैंने बहुत ढूंढा, एक्रेलिक शीट नहीं मिली मुझे. ऑनलाइन मैंने चेक करा, ऑनलाइन भी चेक करने के बाद भी मुझे एक्रेलिक शीट नहीं मिली, और जहाँ पे मिली वो काफ़ी कॉस्टली थी. तो ये चीज़ अवॉइड करने के लिए मैंने काफ़ी टाइम तक इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाई थी. लेकिन अब मैं जब अपना असाइनमेंट कर रहा था, लॉकडाउन चल रहा है, आप सब लोग भी बोर हो रहे होंगे, असाइनमेंट्स वगैरह लिख रहा था, तो तब मेरे एक दिमाग में एक आइडिया आया कि जो हम लोग फाइल यूज़ करते हैं, आपने सही सुना, जो फाइल यूज़ करते हैं उसको यूज़ करके हम लाइट पेंटिंग कर सकते हैं. अब वो कैसे करते हैं, आप लोगों को फाइल को किस तरह से रोल करना पड़ेगा, आप लोगों को फ्लैश लाइट कौन सी यूज़ करनी पड़ेगी, उन सब चीज़ों के बारे में अभी बात करते हैं. मैं आप लोगों को अभी सारा सेटअप दिखाता हूँ, आप लोग क्या करना है क्या नहीं. तो सबसे पहले हम लोग लाइट ट्यूब्स रोल करना सीखते हैं कि आप लोग लाइट ट्यूब रोल कैसे करेंगे और कैसे फ्लैश लाइट उसमें ऐड करेंगे. तो गाइस, जो चीज़ आप लोगों को चाहिए वो यहाँ पे, टेबल छोड़ के बाकी सारी चीज़ें, जैसे कि ये फाइल और एक फ्लैश लाइट. ये फ्लैश लाइट शायद मैंने 100 रुपये ही खरीदी है, बहुत सस्ती है और इतनी कुछ खास ब्राइट है नहीं, लेकिन काम चला हुआ है, इससे काम हो जाएगा. तो आप लोगों को सिंपली ये फाइल चाहिए, इसकी स्ट्रिप निकाल लीजिए, स्ट्रिप किसी काम की नहीं है. तो इसको ऐसे ओपन कर लीजिए साइडवेज, और आप लोगों को आपके पास जो भी फ्लैश लाइट है, लाइक मेरे पास ये वाली है और आपके पास बड़ी भी हो सकती है, उसको भी आप इसके अंदर डाल के रोल कर सकते हो. तो इसको इसमें रखिए और रोल कर लीजिए. तो एक बार ये रोल हो जाए तो आप लोगों को फ्लैश लाइट बाहर निकाल लेनी है, और इसके ऊपर आप टेप, रबर बैंड लगा सकते हो. तो मैंने यहाँ पे एक ब्लू कलर की यूज़ करी, आप किसी भी कलर की यूज़ कर सकते हो, जैसे कि कुछ ऐसे. तो आप इन सारे कलर्स की यूज़ कीजिए, और इससे आप लाइट पेंटिंग कैसे करेंगे वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को. हे एवरीवन, तो लाइट पेंटिंग करने के लिए जो सबसे मेन चीज़ आपको चाहिए वो है एक ट्राइपॉड, क्योंकि हमारा शटर बहुत बड़ा होने वाला है. तो आपको एक ट्राइपॉड इज अ मस्ट, क्योंकि शटर 30 सेकंड्स का होता है. तो आप जैसे ही फ़ोन अगर हाथ में है और हाथ से शूट कर रहे हैं तो वो शेक हो सकता है, इमेजेस क्लियर नहीं आने वाली. तो नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपको अपने फ़ोन के प्रो मोड में जाना है, कैमरा के प्रो मोड में जाना है आपको. कैमरा आप ओपन करेंगे, उसमें अपना ISO 100 सेट करना है सबसे मिनिमम, एंड जो शटर है वो 30 सेट करना है. इनकेस अगर आपके पास प्रो मोड नहीं है तो एक ऐड आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो आप जाके चेक कर सकते हैं. उसके बाद क्या करना है आपको, इनकेस आपके पास हाई एंड वाला फ़ोन है लाइक सैमसंग S10 प्लस है, तो उसमें दो अपैचेस आते हैं, F1.2 एंड F1.4 का. तो आपको सबसे मिनिमम वाला रखना है F1.2, क्योंकि उससे लाइट ज़्यादा गैदर होगी फ़ोन के सेंसर में. उसके बाद आपको अपना फ़ोन ट्राइपॉड में सेट कर देना है, उसके बाद जो लाइट पेंटिंग करना है वो आपको अविनाश बता देगा. तो गाइस, जो भी चीज़ें आप लोगों को रात में जाके करनी है, लाइक जो भी शूट करना है आप लोगों को, वो मैं अभी आप लोगों को दिन में करके दिखाता हूँ कि आप लोगों को रात में जाके करना क्या है, क्योंकि रात में लाइट होगी नहीं प्रॉपर, आपको दिखेगा नहीं क्या करना है, फिर आप बोलोगे ठीक से दिखा नहीं. तो उससे अच्छा मैं आप लोगों को अभी करके दिखाता हूँ. तो सबसे पहली जो चीज़ आप लोगों को चाहिए वो है एक फ्लैश लाइट, जो आपके घर पर जो भी जैसा भी अवेलेबल हो वो. सेकेंडली आप लोगों को चाहिए एक रोल, जो कि अभी हमने फोल्ड करा है, एंड इसको आप लोगों को इसके अंदर इंसर्ट करा है, क्योंकि हमने इसको इसके हिसाब से ही रोल किया था. आप लोग इसको इसमें इंसर्ट कीजिए एंड इसको चालू कीजिए, तो ये कुछ ऐसा दिखता है. अभी काफ़ी लाइट है फिर भी ये काफ़ी ग्लो कर रहा है, रात में ये और भी ब्राइट लगेगा. और इसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि आप एज अ मॉडल सामने रहें एंड पीछे पेंट हो और आप भी उस फोटो में ग्लो करें, तो ये चीज़ आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए मेरे पास दो बहुत डेडिकेटेड फ्रेंड्स हैं, एक जो वीडियो बना रहा है और एक आज हमारे मॉडल बनने वाला है. तो मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ कि आप लोग करना कैसे मॉडल का शूट. तो आप लोग सिंपली इसको इसमें डालिए, पकड़िए, और सबसे पहले आप लोग बैकग्राउंड पेंट कीजिए. एंड मेक श्योर आप ये जल्दी जल्दी कीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास सिर्फ 30 सेकंड्स है. बैकग्राउंड पेंट आप कैसे कर सकते हो, लाइक आप रैंडम फिगर जो आपके दिमाग में आता है वो बना सकते हो, और एल्स आप लोग एक पर्टिकुलर फिगर बना सकते हो, लाइक सर्कल, तो सर्कल कुछ इस तरह भी बन सकता है. एंड वंस दिस इज डन, आप लोगों ने एक बार बैकग्राउंड पेंट कर दिया, उसके बाद आप लोग इस ट्यूब को निकाल दीजिए, फ्लैश लाइट बंद कीजिए, सामने आइए मॉडल के,
एंड इसके ऊपर एक बार फ्लैश मार दीजिए. मेक श्योर दैट यू डू इट स्नैपी, जितना जल्दी आप कर सकते हो उतना सही, क्योंकि मॉडल पे अगर आप ज़्यादा देर तक फ्लैश लाइट मारोगे वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो जाएगा और फिर आपका पूरा मॉडल वाइट रहेगा और फिर आप बोलोगे आपने बताया नहीं. तो मैं बता रहा हूँ काफ़ी कम टाइम तक आप लोगों को उसके ऊपर फ्लैश लाइट मारनी है. और जितना आप बैकग्राउंड पेंट कर सकते हो डू इट, आपके जितने ज़्यादा फ्रेंड्स इस शूट में इन्वॉल्व होंगे उतना अच्छा है. सो अब आप लोगों का आपको रात वाला पार्ट दिखाता हूँ कि रात में हम लोगों ने कैसे शूट करा. तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो मैं कर रहा हूँ वो एक बड़ा सर्कल बना रहा हूँ कोई भी एक कलर यूज़ करके. लाइक मैंने यहाँ पे रेड यूज़ किया. इसके बाद मैं एक छोटा सर्कल बनाऊंगा कोई और कलर यूज़ करके. तो मेरे पास यहाँ पे मेरी ब्लू कलर की फाइल थी जिससे मैं एक छोटा सर्कल बना रहा हूँ और मेरा मॉडल यहाँ पे सामने खड़ा है और वो मूव नहीं कर रहा बिल्कुल. अब ये हो जाने के बाद मैं जल्दी से सामने आता हूँ, अपने बंदे को पेंट करता हूँ, लाइक उसके ऊपर फ्लैश लाइट मारता हूँ और अपनी वापस से जो भी कलर की ट्यूब है वो यूज़ करके बैकग्राउंड जितना हो सकता है उतना पेंट करने की कोशिश करता हूँ बिकॉज आई हैव 30 सेकेंड्स ओनली. तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी अपना पूरा बैकग्राउंड पेंट करता हूँ. तो जो रिजल्ट्स है वो कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं. अब इस वाली फोटो में मैंने जो बंदे को ट्रेस आउट किया है वो अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट से किया है. अब यह आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिव हो. आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो, कोई भी कलर की ट्यूब ट्राई कर सकते हो. एंड अगर आप लोगों को यहाँ तक की वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए इस वीडियो को एंड कमेंट करके मुझे बताइए अगर आप लोगों का कोई सजेशन हो. तो टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप क्लिकिंग.